स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं आज की ताजा खबर की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जटायु आतंकवाद से लड़ने वाला पहला प्राणी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, सर्वविदित है, लेकिन मोदी द्वारा कही गई बातें अक्सर विशेष हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने मानवता के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और लोगों को इस बुराई से निपटने के लिए प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया है। मोदी तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष दिवस उगाड़ी को मनाने के लिए यहाँ केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू के निवास पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि हम प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित घटनाओं का विश्लेषण करें और उन्हें वर्तमान संदर्भ में पेश करें तो मैं कहूंगा कि जटायु आतंकवाद से लड़ने वाला पहला प्राणी था। उसने निडरता का संदेश दिया। रामायण में उल्लेख है कि रावण जब सीता का अपहरण कर ले जा रहा था तब गिद्ध जटायु ने सीता को बचाने की कोशिश में वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने जीवन की बलि दे दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जटायु ने महिला की मर्यादा की रक्षा के लिए बलशाली व्यक्ति से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा कि जटायु की लड़ाई हमें आतंकवाद से लड़ने की प्रेरणा देती है। ये हमें मानवता के लिए जीने का संदेश भी देती है। देश की विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि विभिन्न राज्यों को लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान सुनिश्चित करना चाहिए। हरियाणा और तेलंगाना पहले ही इस संबंध में एक समझौता कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक राज्य की संस्कृति एवं भाषा के प्रसार के लिए दूसरे राज्य में सांस्कृतिक विनिमय और प्रश्नोत्तरी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा सकती है। भारत की विविधता उसकी पहचान एवं ताकत दोनों है। प्रधानमंत्री ने उगाड़ी पर देश को बधाई देते हुए कहा कि उत्सव प्रकृति के बदलते स्वरूप को परिलक्षित करते हैं और वे संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़े हैं। अपनी सरकार की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये आने वाली पीढ़ियों को विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को समझने में समर्थ बनाएगी। और अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा हेल्थ कार और बाइक इंश्योरेंस। दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास ने कहा, राम जन्मभूमि पर ही बने मंदिर। बांग्लादेश के सिलहट में एक इमारत में 3 बम धमाके, 6 की मौत, 50 जख्मी। उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों पर कार्रवाई के खिलाफ मीट विक्रेताओं की हड़ताल। और चुनाव में रूस से संबंध के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति पद से।